नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां बस्तर में बीते एक माह में बस्तर के अलग अलग जिलों में माओवादियों ने चार भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर हत्या कर दी है। वहीं हत्याओं को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों समेत आईजी को सुरक्षा को लेकर रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों के दौरे को लेकर भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद पुलिस को संभाग के सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक और उनके दौरे को लेकर अलर्ट किया गया। वहीं सुरक्षा के तौर पर वाई और जेड प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी भी दी गई है। नक्सल प्रभावित इलाका में एक एसओपी का हमेशा पालन की जाती है। यदि अंदरूनी इलाके में जहाँ नक्सल गतिविधि पूर्व में हुआ या अन्य कोई किसी प्रकार का जो आसूचना प्राप्त होते हैं, उस इलाके में रोड ओपनिंग से लेकर डीमेनिंग ऑपरेशंस, एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस टाइप का तमाम सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम की जाती है। अभी भी हमारा बस्तर संभाग के अंतर्गत 90 से अधिक जो प्रोटेक्टिव है, जिनको जेड प्लस कैटेगरी, जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, इस प्रकार और स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप भी कई लोग का सुरक्षा उपलब्ध की गई थी। इनका मूवमेंट के दौरान उनकी निवास स्थल में और अन्य जो कार्यक्रम के दौरान भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लगातार दी जाती है और पूर्व में उनका जो कैटेगरी के अनुरूप या अन्य जो परिस्थिति के अनुरूप लगातार व्यवस्था की जाती है। आने वाले समय में भी इस पर विशेष रूप से ध्यान रखकर कार्रवाई की जाएगी, ताकि मतलब क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि या अन्य जो लोग जो इलाके में अपना क्षेत्र में काम कर रहा है, उनका एक सुरक्षित वातावरण अपना कार्य संपादित कर सकता है। इसी दिशा में वो काम कर रहे हैं।